आयोजन किया गया है। कारण की चार पीढ़ियों का बलिदानी गाथा है और श्रीमान हम लोगों के बीच में गोविंद सिंह जी के लेकर जो जीवनी के ऊपर कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हिंदू जागरण मंच की तरफ से, उसकी सूचना आप लोगों के माध्यम से लोगों को देना है। अभी जो बिजुपुर में पुल का निर्माण हो रहा है, हम लोग आपके माध्यम से यह मांग करेंगे कि उस सेतु का नाम गोविंद सिंह जी के ऊपर हो। गोविंद सिंह जी एक बलिदान का, एक वीरता का, एक शौर्य का अपूर्व सूर्य रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर सिखों का जो दो बड़ी भूमि जो पवित्र स्थल है जिसमें अमृतसर के बाद सबसे पवित्र स्थल जो माना जाता है वो पटना साहिब को माना जाता है और उस पवित्र स्थल पर यह कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोग आगामी कुछ दिनों के अंदर हर पंचायत पर एक संगोष्ठी का भी हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं जो गुरु गोविंद सिंह के ऊपर परिलक्षित होगा और केंद्रित होगा। हम सब एक सिख सर्किट से जोड़ रहे हैं और अभी गंगा में जो तीसरी नदी पुल बन रही है, एक पहले बनी गांधी सेतु, दूसरा बना जेपी सेतु, हम लोगों ने स्वागत किया। लेकिन सरकार के अंदर कुछ लोग स्थानीय लोकल लोगों का नाम उठाते हैं, परंतु गुरु गोविंद सिंह का वो जन्म स्थान है और इसीलिए हिंदू जागरण मंच सभी मठ पंथ को एक साथ लेकर 19 तारीख को रविवार को वैशाली जिला में जहां ये सिक्स लेन पुल उस बियर के ऊपर से गई है, उस पुल का नामकरण करने का संकल्प वहां लेने वाली है और सरकार को कहना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश जी को हिंदू जागरण मंच का पत्र मठ मंदिरों द्वारा भेजा गया है, आप यथा शीघ्र जनभावना को देखते हुए गुरु गोविंद सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके परदादा का बलिदान हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता को शीश कटना पड़ा, उनके चार बेटों का बलिदान हुआ, उनकी माता को बका बलिदान हुआ और उनके बाद उनके चारों पुत्र का बलिदान हुआ। चार पीढ़ी का बलिदान देने वाला शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कोई एक परिवार अपना चार चार पीढ़ी का बलिदान दिया।